नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे ब्लॉक ऑफ क्रेडिट एंट्री इन बीजी। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे अगर आपको ब्लॉक ऑफ क्रेडिट की एंट्री बीजी सॉफ्टवेयर में करनी है तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं, साथ साथ ब्लॉक ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, कौन सा सेक्शन है और जीएसटी की कौन सी रिटर्न में इसका इफेक्ट पड़ता है, ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी पता चले ब्लॉक ऑफ क्रेडिट कहते किसे हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्लॉक ऑफ क्रेडिट का मीनिंग क्या है। देखिए, ब्लॉक ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर आप कोई ऐसी आइटम खरीदते हो जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर आती है तो आपका उसे ITC नहीं मिलेगा। सरकार का ऐसा मानना था कि अगर आप लोग ये आइटमें खरीदते हो जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर है तो हम उसका ये जज नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस पर्पस है या फिर पर्सनल पर्पस है। तो सरकार ने अपने सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में एक्सेप्शन बनाया जिसका नाम रखा ब्लॉक ऑफ क्रेडिट और बताया गया कि अगर इनमें से आप कोई भी आइटम खरीदते हो तो आपको उसका ITC नहीं मिलेगा। सर, कौन कौन सी आइटम है जिसका हमें ITC नहीं मिलेगा? तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज ए के अंदर सरकार ने कहा है कि अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो और जिसमें बैठने वालों की जो कैपेसिटी है वो 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर तो आपको उस आइटम का ITC नहीं मिलेगा। इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर मैं कोई मोटर व्हीकल खरीदता हूं और अगर उसमें बैठने वालों की जो कैपेसिटी वो 13 से कम है तो उसका ITC नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, मान लो आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हो जिसकी कीमत 10 लाख रुपए की है, उस पर आप 1 लाख रुपए का टैक्स देते हैं तो क्या है, उसका आपको ITC नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो आप मोटर व्हीकल खरीद के लाए उसमें जो बैठने वाले की कैपेसिटी वो 13 से कम है। इसी तरीके से आप एक दूसरा व्हीकल खरीद के लाते हो जिसमें बैठने की कैपेसिटी 13 से ज्यादा की है और उस पर आप 1 लाख रुपए टैक्स पे करते हो तो आपको उसका ITC मिल जाएगा क्योंकि उसमें बैठने वाले की कैपेसिटी 13% से ज्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे और भी कंडीशन बताई गई है कि एक्सेप्ट अगर 13 से कम भी कैपेसिटी है बैठने की तब भी आपको उसका ITC मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए जिसमें सबसे पहले आता है फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। अगर आप मोटर व्हीकल खरीदने और बेचने का काम करते हैं तब आपको ITC मिल जाएगा। अगर आप मोटर व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तब आपको ITC मिल जाएगा और साथ साथ अगर आप मोटर व्हीकल से सिखाने का काम करते हैं, अपना ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं तब भी आपको उसका ITC मिल जाएगा। तो याद रखना, अगर आपका कमर्शियल यूज है उसका तो आपको उसका ITC मिल जाएगा और अगर आपका कमर्शियल यूज नहीं है तो आपको उसका ITC नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप एयरक्राफ्ट या फिर विसल खरीदने और बेचने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उसकी ट्रेनिंग का काम करते हैं तब आपको उसका ITC मिल जाएगा, अदरवाइज आपको एयरक्राफ्ट और शिप का ITC नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं कि अगर आप लोग अपनी कार का, शिप का या फिर एयरक्राफ्ट का जनरल इंश्योरेंस कराते हैं, अगर आप उन कंडीशन में आते हैं जो कंडीशन मैंने आपको अभी बताई है कि आप कार को खरीदने बेचने का काम करते हैं, कार की ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या फिर आप उसे सिखाने का काम करते हैं कार का, तब तो आपका जो भी आपने इंश्योरेंस कराया है, आपने कोई रिपेयर कराया है या आपने कोई अदर सर्विस दी है तब आपको उसका ITC मिल जाएगा और अगर आप इनके अलावा कोई और हो तो आपको उसका ITC नहीं मिलेगा। तो आप इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज बी जो बात करता है फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सरकार ने कहा है कि अगर आप इस सेक्शन की कोई भी आइटम आप खरीदते हो चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो आपका उसे ITC नहीं मिलेगा क्योंकि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जो आपने सर्विस ली है या आपने गुड्स लिया या आपके बिजनेस पर्पस का या फिर पर्सनल पर्पस का। इसलिए सरकार ने इन सभी आइटमों को ब्लॉक ऑफ क्रेडिट के अंदर डाल रखा है जिसमें सबसे पहले आती है फूड एंड बेवरेज। अगर आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाकर कोई खाना खाते हो और उस पर जो भी टैक्स बनता है उसका आपको ITC नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ये पता नहीं कर सकती कि जो आपने खाना खाया है वो आपका बिजनेस पर्पस है या फिर पर्सनल पर्पस है। इसके साथ साथ आपका सेकंड आता है आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार रेंटिंग एंड लीजिंग का मतलब होता है अगर आप अपनी कार को रेंट पर देते हो या फिर आप लीज पर देते हो उस पर जो भी आपका टैक्स बनता है उसका आपको ITC
नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई आइटम अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप एक कंपोजिशन डीलर हो, आप कोई सामान खरीद के लाते हो, उस पर जो भी आप टैक्स देते हो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप कोई नॉन रेजिडेंट से माल खरीदते हैं तो भी आपको उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई सामान पहले खरीदा था, अब वो सामान लॉस्ट हो जाता है या फिर स्टोलन हो जाता है या सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका माल जल गया है या फिर चोरी हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है, तो आपने जब सामान को खरीदा था उस पर जो भी आपने टैक्स क्लेम किया था अब वो टैक्स सरकार को रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि एक्चुअल में जला है या फिर नहीं जला। इसी के साथ साथ अगर आप सेक्शन 74 या फिर सेक्शन 129 या फिर सेक्शन 130 के अंदर कोई भी पेनल्टी देते हो और उस पर जो भी आपका टैक्स बनता है उसका आपको आईटीसी रिफंड नहीं होगा। और लास्ट में आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो याद रखना, अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात आप लोगों को सबसे पहले पता होनी चाहिए कि इन कंडीशनों का भी आईटीसी हमें मिल सकता है अगर हम लोग इनका बिजनेस करते हैं। मान लो ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, ये लोग फूड एंड बेवरेज बेचने और खरीदने का काम करते हैं, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। इसी तरीके से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आउटडोर कैटरिंग का काम करते हैं तो भी इनको आईटीसी मिल जाएगा। अगर हमारा बिजनेस पर्पस सेम है, हम दोनों एक जैसे ही आइटमों का काम करते हैं, तब तो हमें इन चीजों का आईटीसी मिल जाएगा। और अगर हम इन चीजों का काम नहीं करते तो उस केस में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने बिजी सॉफ्टवेयर पर और देखते हैं हम इसकी एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन किया। जैसे ही मैंने बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो यहाँ पर आज हम कंपनी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है ब्लॉक ऑफ क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को ब्लॉक ऑफ क्रेडिट की एंट्री करनी है तो आप उसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहली, आप जनरल वाउचर से भी कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक ऑफ क्रेडिट की जनरल वाउचर से एंट्री करनी है तो आप यहाँ पर ये एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल जनरल वाउचर के अंदर आना है, यहाँ पर जो भी आपकी डेट होगी यहाँ पर आपको अपनी वो डेट टाइप कर देनी है और जीएसटी नेचर के अंदर आपको लेना है रजिस्टर्ड एक्सपेंस B2B, बस आपको इस पर एंटर मारना है और जो भी आपने आइटम खरीदी यहाँ से आपको उस आइटम का नाम टाइप कर देना है। जैसे मान लो मैंने कार परचेज करी तो मैंने यहाँ पर कार टाइप कर दिया, ग्रुप में मैंने फिक्स असेट्स ले ली, इसके बाद इसने मुझसे डेप्रिसिएशन रेट पूछा, मैंने यहाँ से डेप्रिसिएशन रेट टाइप कर दिया, जीएसटी में मैंने जीएसटी एप्लीकेबल रखा, टैक्स कैटेगरी में 18% डाल दिया और साथ साथ नीचे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया आईटीसी एलिजिबिलिटी में नन की मुझे इसका आईटीसी नहीं लेना, आरसीएम के अंदर मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया और F2 करके सेव कर दिया। तो उसके बाद जितने की आपने कार परचेज करी यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू टाइप करनी है, उसके बाद आपको CGST टाइप करना है, SGST टाइप करना है और जिससे आपने माल खरीदा यहाँ पर आपको उसका नाम टाइप करना है। जैसे नाम टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा, इसके बाद आप इसे सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीएसटी रिपोर्ट बेसिक, तो यहाँ पर आप एज पर पार्टी मास्टर ले लेंगे। इसके बाद ये आपसे पूछेगा आपने क्या खरीदी, तो हमने कहा कार परचेज करी तो यहाँ पर हम कार टाइप कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारा बिल नंबर होगा तो यहाँ पर हम अपना बिल नंबर टाइप कर देंगे, जो डेट होगी यहाँ पर हम वो डेट टाइप कर देंगे, यूनिट में हम NA ले लेंगे और इसके बाद टैक्सल वैल्यू में यहाँ पर 1,00,000 रुपए ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, 18% टैक्स आ जाएगा और लास्ट में आप आके देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नन। इसके बाद आप इसको सेव कर दें और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको GSTR 3B की टेबल नंबर 4 के अंदर पड़ेगा। अगर आप उस इफेक्ट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्प्ले पर जाना होगा, डिस्प्ले के बाद आपको जीएसटी रिपोर्ट पे जाना होगा और जीएसटी रिपोर्ट के बाद आपको मिलेगा जीएसटी रिटर्न, यहाँ से आपको अपनी GSTR 3B को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ से अपनी GSTR 3B को ओपन किया और जैसे ही मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं टेबल नंबर 4 के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा इन एलिजिबल आईटीसी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर आपको इसका इफेक्ट मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ब्लॉक ऑफ क्रेडिट की एंट्री परचेज वाउचर से भी करनी तो भी आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल परचेज के अंदर जाना है, जो भी आपकी डेट है यहाँ से अपनी डेट टाइप करनी है, वाउचर नंबर टाइप करना है, जो भी टैक्स रेट है यहाँ से अपना टैक्स रेट सिलेक्ट करना है और इसके बाद एंटर मार के आगे बढ़ जाना है। जो पार्टी का नाम है यहाँ से आप पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, MC नेम में मेन स्टोर ले लेंगे और ITC के अंदर आप यहाँ पर इसे नन कर देंगे।
उसके बाद अपनी आइटम का नाम सिलेक्ट करना। हमारे केस में हमने जो सर्विस ली है वो फूड एंड बेवरेज की ली है, तो हमने यहाँ से फूड एंड बेवरेज टाइप कर दिया, टैक्स रेट टाइप कर दिया, HSN कोड टाइप कर दिया और स्पेसिफाई अकाउंट के अंदर हमने फूड एंड बेवरेज नाम से एक अकाउंट बनाया, जिसके ग्रुप में हमने एक्सपेंस इनडायरेक्ट टाइप रखा, GST टाइप में GST एप्लीकेबल रखा, टैक्स कैटेगरी के अंदर 12%, ITC के अंदर नन और RCM नेचर के अंदर नॉट एप्लीकेबल डालकर सेव कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे सेव करना और जितने भी अमाउंट के आपने सर्विस लिए वो सारा अमाउंट इसके अंदर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है और अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना है, और जैसे ही आप F4 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर आपका टैक्स लग जाएगा और उसके बाद आप इसे F2 करके क्या कर दें, सेव। तो आप इस तरीके से अपनी एंट्री कर सकते हैं। जब आप एंट्री कर लेंगे और अगर आपको इसका इफेक्ट देखना है तो उसके लिए आपको GSTR 3B में जाकर आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं। इसके बाद कुछ और बातें जो आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहली कंडीशन आती है कि हम जो भी टैक्स पे करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर, उससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे मैंने कार जो खरीदी थी वो 1,00,000 रुपए की थी, उस पर मुझे 18% टैक्स देना पड़ा, तो अब मेरी कार की जो कीमत है वो 1,18,000 रुपए, क्योंकि वो 18,000 का मुझे टैक्स नहीं मिलेगा। तो अब मैं चाहता हूँ मेरी कार की वैल्यू 1,00,000 रुपए से बढ़कर 1,18,000 हो जाए, तो उसके लिए आपको सिंपल जनरल वाउचर पे आना है। इसके बाद GST नेचर में नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कार को डेबिट करना है 18,000 रुपए से, और जो आपका CGST था उसे आपको क्या करना है, अब क्रेडिट करना है 9,000 से और 9,000 से। तो आप जैसे ही इसे क्रेडिट करेंगे और सेव करेंगे तो आप देखना अब आपकी कार की वैल्यू 1,00,000 रुपए से बढ़कर 1,18,000 रुपए हो जाएगी। तो आप इस तरीके से एंट्री करेंगे। इसी तरीके से जो आपका फूड एंड बेवरेज था उसकी भी एंट्री आप पास करेंगे। यहाँ से आप लिखेंगे फूड एंड बेवरेज 1,200 रुपए का खर्चा था, तो आप यहाँ से 1,200 रुपए डाल देंगे। इसके बाद आपका CGST 600 और आपका SGST 600, और जैसे ही आप 600 डालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो SGST की वैल्यू थी अब वो 0 हो गई। और इसके बाद आप इसे सेव कर दें, और जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर जाकर देख सकते हैं कि जो आपका पहले खर्चा 10,000 रुपए का था, अब वो खर्चा आपका 11,200 रुपए का हो गया। तो आप इस तरीके से बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी इन एलिजिबल आइटमों की एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ बात करी बीजी सॉफ्टवेयर में इन एलिजिबल एंट्री। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।